हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस सीटेट सिलेबस, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम विद इन आपके 30 डेज 35 डेज में आप सीटेट को कैसे क्रैक करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस पर, हम बात करें कि सीटेट का सिलेबस क्या है। सीटेट 2023 जो कि आपके जुलाई में प्रपोज्ड है, जुलाई में इसके एग्जामिनेशन होने हैं आपके, तो सीटेट की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर सीटेट एग्जाम, और आपकी एग्जामिनेशन जो होगा वो जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा। हमने इसके पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करी थी कि सीटेट का जो फॉर्म आ चुका है वो आपका 27 अप्रैल से एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं और आपका 26 मई तक लिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। आइए हम देख लेते हैं कि क्या कुछ सिलेबस है, आपको पढ़ना कहाँ से है। सीटेट जुलाई 2023 जो आपकी एग्जाम होंगे, आपके जुलाई में एग्जाम होने प्रपोज्ड है, ये आपका शेड्यूल आ गया है, जुलाई में एग्जाम कराए जाएंगे। ओके, आइए हम बात करेंगे कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है। आपके दो पेपर होते हैं, पहला होता है आपका पेपर फर्स्ट और आपका पेपर सेकंड है। हम इसमें बात कर लें कि क्या क्या पोर्शंस पूछे आने हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आपका पहला जो पोर्शन है वो आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, जिसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे, है ना, 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और जैसा आपको ये दिख रहा होगा, ये सिलेबस आप देख सकते हैं, तो यहां आप देख लेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन आपके जो है सिलेबस से पूछा जाएगा। और स्लाइड कैसे होगा सर, वन सेकंड, चलिए देखते हैं। तो जो पहला आपका पोर्शन है वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या कुछ टॉपिक दिए गए हैं एक बार हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी जो कि 30 क्वेश्चंस यहां से आने हैं। पहला पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि आपके प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछे आएंगे। पहला जो टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ विद द रिलेशन, इट्स रिलेशन विद द लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है और इसकी लर्निंग से कैसे रिलेशन होंगे। लर्निंग कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं, कई सारे ऐसे साइकाइट्रिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने लर्निंग के कॉन्सेप्ट दिए, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक आप करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बालकों के लिए जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, अलग अलग जो स्टेटमेंट दिए गए अलग अलग साइकाइट्रिक के द्वारा दिए गए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से बनेंगे, अंडरस्टैंड। और हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका हेरिडिटी एनवायरमेंट से, जो कि किसका इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, ये वुड्सवर्थ का स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन प्रोसेसेस क्या है, सामाजिकरण प्रक्रियाएं क्या है, बच्चों के लिए जो प्राइमरी सोशल एजेंसीज है वो क्या क्या होगी, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, एक बच्चे के विकास के लिए, एक बालक के विकास के लिए उसके टीचर, उसके पेरेंट्स और उसकी जो सोसाइटी है वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, उसकी पीयर ग्रुप्स का कितना इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में, उसके डेवलपमेंट में है, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट साइकाइट्रिक हैं, जिनके काफी क्वेश्चंस यहां से अराइज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट साइकाइट्रिक हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, है ना। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो आपका डिफरेंट साइकाइट्रिक कौन कौन से हैं। ये स्लाइड कैसे होगा सर, देख लीजिए ऊपर के लिए, हाँ ठीक ठीक। तो चलिए आपके जो नेक्स्ट आपके जो टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बात करें पियाजे जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा, कोहलबर्ग से क्वेश्चन होगा, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन होगा, ये सभी क्या है, ये सभी कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट हैं, संरचनावादी हैं। हम बात करें पियाजे की थ्योरी, तो थ्योरी ऑफ ये क्या आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो कि जीन पियाजे के द्वारा दी गई, वही आपके कोहलबर्ग के द्वारा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई, वही वाइगोत्स्की के द्वारा सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी दी गई, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली यहां से 1-1 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आइए हम बात करेंगे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली या आपकी प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफी, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रेफर्ड करती है, अंडरस्टैंड। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्रिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की सबसे जो
अब यहां बेसिकली आप पढ़ने वाले हैं मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, या हम बात करें मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस हम पढ़ेंगे, जो कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपका है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट के क्या परस्पेक्टिव है, लैंग्वेज एंड जो थॉट दिया गया वो आपके जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अपने स्टेटमेंट है। कोई कहता है कि लैंग्वेज पहले आएगा, थॉट बाद में आती है, जबकि किसी का स्टेटमेंट है जहां पर वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि यहां पर क्या होगा, लैंग्वेज की प्रेफरेंस पहले है, थॉट बाद में है, जबकि जीन पियाजे की थ्योरी थॉट को प्रेफरेंस देती है, कॉग्निटिव मॉडल पर बेस्ड है। ये डिस्कशन हम करेंगे, इनके काफी अच्छे अपने डिस्कस पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आपका है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। आपके लिंग की भूमिका क्या है सोसाइटी में, जेंडर क्या होगा, जेंडर रोल्स क्या है, और जेंडर बायस एजुकेशनल प्रैक्टिस में हम जेंडर बायस को कैसे सम्मिलित करते हैं, कैसे इसे रिजॉल्व किया जाए, और इसका टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे हम इसका यूज कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए हम और नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं, क्या कुछ सिलेबस में दे रखा है। ये सभी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट में। और जो अगला टॉपिक आपका दिया गया है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। व्यक्तिक भिन्नता, ये इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट आपका है अमंग लर्नर्स, अधिगम कर्ताओं के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होंगे, व्यक्तिक भिन्नताएं क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज कास्ट जेंडर कम्युनिटी रिलीजन। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम सोसाइटी में किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं, कभी कास्ट के बिहाव पर, कभी आपके सेक्स के बिहाव पर, कभी लैंग्वेज के बिहाव पर, जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में, इसको हम एज अ टीचिंग में कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे इनसे हम परे होकर के अपनी टीचिंग को इंपॉर्टेंस देंगे, तो ये टॉपिक हम करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, ये आपकी रही टीचिंग के पैडागॉजी, जिसमें चाइल्ड एजुकेशन की बात करी गई, चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। हम बालकों का असेसमेंट कैसे करेंगे, चिल्ड्रंस का हम असेसमेंट कैसे करें क्लासरूम में, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में आपके असेसमेंट के प्रोसेसेस बताए गए। फॉर एग्जांपल की बात करें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सभी क्या होगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। असेसमेंट के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है, डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्लियर? और हम बात पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है, जिसमें हम बात करेंगे सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यही आपके टॉपिक्स आगे प्रेफर करते हैं जब आप डी ट्रिपल एसबी का एग्जाम देते हो, केबीएस का एग्जामिनेशन देते हैं, अदर स्टेट के यस्टेट्स का एग्जाम देते हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। एक एक करके आने वाले क्लासेस में हम पूरे सीटेट को कवर करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, फॉर्मुलेशन अप्रिसिएशन क्वेश्चंस ऑफ असेसिंग रीडिंग लेवल्स ऑफ लर्नर्स फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ क्लासरूम, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ क्लासरूम एंड असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट। आपके लर्निंग की अचीवमेंट्स क्या क्या है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका टॉपिक क्या था, यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपसे क्या होगा 15 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए 5 क्वेश्चंस आपके सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में कहां से होगा, तो जो 5 क्वेश्चंस है वो टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। हम बात करें कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंक्लूसिवनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिवनेस, थोड़ा जूम इन कर रहे हैं, और वन सेकेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन का रोल क्या है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड, EWS कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, WCWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इस तरीके के बच्चों को क्लासरूम में, हम नॉर्मल क्लासरूम में जो स्टडी कराते हैं, टीचिंग करते हैं, उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम देखते हैं और कुछ टॉपिक, जैसे हम बात करें आपके इंक्लूसिव एजुकेशन 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो ये पोर्शन जो आपका रहा, ये कैसा पोर्शन हुआ, ये पोर्शन आपके हो गए चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्शन हो गए। अब हम बात करेंगे पैडागॉजी सेक्शन, जिसे कहते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी, हाउ टू चैलेंजेस, जो चैलेंजेस आते हैं क्लासरूम में टीचिंग के दौरान, उसको रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग टीचिंग मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं, तो उसको हम कैसे कवर करेंगे, आइए हम देखते हैं उसका सिलेबस क्या है, कैसे हम इनको कवर करने वाले हैं आने वाले क्लासेस में। अंडरस्टैंड?
तो चलिए देखते हैं लर्निंग एंड पैडागॉजी, हम कई सारे लर्निंग की थ्योरीज करने वाले हैं, है ना, कई लर्निंग की थ्योरीज करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस यहां से डेफिनेटली पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक। हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, ये टॉपिक है। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल्स, स्कूल में सक्सेस अचीव करने में बच्चे कैसे फेल्योर होते हैं। तो यहां बच्चा फेल्योर ना होकर पूरा एक सिस्टम फेल्योर कहा जाएगा, यहां पर टीचर के लैकनेस कही जाएगी, तो अलग अलग टीचिंग मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, चलिए तो ये आपका रहा हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या है, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए स्कूल एक्टिविटी, स्कूल कॉन्टेस्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग में स्कूल का क्या कॉन्टेस्ट है, टीचर का क्या रोल है, रोल ऑफ टीचर यहां स्पेशली कहेंगे, लीडरशिप जो क्वालिटी होगी टीचर्स की वो किस प्रकार से होगी, डेफिनेटली ये टॉपिक रहेगा आपका। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉग्निशन एंड इमोशन, ये टॉपिक है संवेग होगा और आपका संज्ञान होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका है मोटिवेशन एंड लर्निंग, और लास्ट होगा फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का एक बच्चे के एक चाइल्ड चिल्ड्रन के लाइफ में कैसा इंपैक्ट पड़ता है, किस प्रकार से वो लर्निंग में अपने अफेक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आपका, ये आपका सीडीपी का पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी का पोर्शन है। अंडरस्टैंड, यस, ओके, चलो वन सेकेंड, ओके ठीक। तो ये रहा आपका 30 क्वेश्चन जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का रहा, ये 30 क्वेश्चंस होगा। अब हम करेंगे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो क्या होगा, नेक्स्ट आपके लैंग्वेज होंगे। लैंग्वेज का क्या सिलेबस एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा, लैंग्वेज का कैसे सिलेबस है इसे हम देख लेंगे। और चलिए भाई थोड़ा सा ही कर लीजिए, चलिए हम बात करें लैंग्वेज फर्स्ट में, ओके हाँ चलिए हम बात करें लैंग्वेज फर्स्ट में। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस ले सकते हो, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी प्रेफरेंस ले सकते हो, लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश ले सकते हो, या आपका मन अगर है तो लैंग्वेज फर्स्ट में ही आप इंग्लिश प्रेफर कर सकते हो और सेकंड में आप हिंदी प्रेफर कर सकते हो। तो चलिए हम बात करेंगे लैंग्वेज सेक्शन में। लैंग्वेज सेक्शन की हम बात कर लें तो जो आपका पहला पोर्शन होगा, थोड़ा नीचे करिए इसे, हाँ थोड़ा सा नीचे, चलिए देख लेते हैं। लैंग्वेज में जो आपका पहला पोर्शन होता है वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है, जहां पर आपके गद्यांश इंग्लिश में आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा कि जो 15 मार्क्स का होगा, यहां से आपके जो क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स का आपका तो कॉम्प्रिहेंशन होगा और 5 मार्क्स के आपके ग्रामर, बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का आता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे आते हैं, प्रोज और ड्रामा पोएट्री से रिलेटेड, और आपके कुछ जो होंगे वो ग्रामर, वर्बल ग्रामर आपके पूछे जाएंगे, कुछ एंटोनिम सिनोनिम, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे आपके होंगे। और आपको जो 15 मार्क्स का है वो पैडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज के डेवलपमेंट में हमारी पैडागॉजी कैसे हेल्प करेगी, उसके कुछ टॉपिक होंगे। जैसे आपका होगा लर्निंग एंड एक्विजिशन पहला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपका होगा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन अ क्लासरूम, है ना, लैंग्वेज को सीखने में लिसनिंग और स्पीकिंग के क्या रोल होंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, लैंग्वेज को सीखने में ग्रामर कैसे रोल प्ले करता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैलेंजेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासेज, डाइवर्स क्लासेज हम कैसे प्रकार, किस प्रकार से आपके लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, लैंग्वेज को सिखाने में क्या कुछ यूज कर सकते हैं। फिर आपका है लैंग्वेज स्किल, फिर आपका इवोल्यूशन, लैंग्वेज का हम इवोल्यूशन कैसे करेंगे, स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग रीडिंग, जो 4 आपके स्किल्स होते हैं लैंग्वेज स्किल्स, उन सब की डिस्कशन यहां पर करी गई है, उन सब की बात की गई है। तो चलिए हम देखते हैं और कुछ जो टॉपिक इससे रिलेटेड है और कुछ टॉपिक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपका हो जाएगा टीचिंग एड्स कहते हैं, जैसे आपका टेक्स्ट बुक हो गया, मल्टीमीडिया हो गई, ऑडियो विजुअल आपके जो कई सारे मटेरियल्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल, मल्टीलिंग्विस्टिक क्लासरूम हो गई, रेमेडियल टीचिंग हो गई, ये आपका टॉपिक रहा इंग्लिश के पैडागॉजी सेक्शन का। आइए हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में आप प्रेफर किसका ले सकते हैं, लैंग्वेज सेकंड में आप प्रेफरेंस ले सकते हैं हिंदी लैंग्वेज का। तो चलिए हम देख लेते हैं
लैंग्वेज, सेकंड में भी आपका इंग्लिश या हिंदी आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, सेम वही तरीका है। तो लैंग्वेज सेकंड भी आपके 30 मार्क्स की ही आएगी। हम थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, वीडियो लॉन्ग ना करते हुए थोड़ा वीडियो आपका शॉर्ट ही रहे। तो हम देखते हैं मैथ्स का पोर्शन क्या है, मैथ्स में आपके बेसिक क्या कुछ पूछे आ रहे हैं। मैथ्स में आपके जनरल मैथमेटिक्स पूछी जाती है, जिसमें अर्थमेटिक का पोर्शन है और आपके कुछ ज्योमेट्री का पोर्शन है। अंडरस्टैंड? तो हम बात करें कि मैथ का कंटेंट क्या होगा। मैथ में आपके 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है और 15 नंबर की ही आपकी पैडागॉजी पूछी जाती है। 15 नंबर का कंटेंट होगा जिसमें आपके बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए जाते हैं बच्चों को, जो आसपास एनवायरमेंट में जो शेप्स दिया जाता है तो शेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। शेप और स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग बच्चों की क्या होगी, सॉलिड अराउंड अस, हमारे आसपास के जो सॉलिड है, चाहे आपका ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आपका सर्कल हो, इसे क्वेश्चंस होंगे। बेसिक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बेसिक क्वेश्चंस यहां से अराइज होते हैं। आपका डिवीजन है, मेजरमेंट, कई सारे मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, उनका हम यूज करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे आगे की क्लासेस में। वेट एंड टाइम, ये बस लिमिटेड टॉपिक है जो आपका कंटेंट होगा, जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे आते हैं। आइए हम देखते हैं कि मैथ्स की पैडागॉजी कैसी पूछी आती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके टीचिंग एग्जाम में, जो पैडागॉजी का सेक्शन होगा। तो आइए देखते हैं कि पैडागॉजी का कैसे सेक्शन होगा और किस तरीके से आपका, अच्छा कुछ और कंटेंट रह गया है जिसमें आपका वॉल्यूम भी आ जाता है, कुछ आपका जैसे वॉल्यूम आ जाता है, डाटा हैंडलिंग आ जाती है और पैटर्न्स आ जाते हैं। तो ये आपके टॉपिक हैं, इससे रिलेटेड है। और फिर हम बात करेंगे मैथ्स की पैडागॉजी, जो कि आपकी 15 मार्क्स की पूछी आएगी। ओके, मैथ्स की पैडागॉजी 15 मार्क्स की पूछी आती है। पैडागॉजिकल इशू में आपके पूछा क्या क्या जाएगा, इससे रिलेटेड क्या होते हैं, जैसे आप नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यहां से क्वेश्चन बनते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटी है, मैथमेटाइजेशन करना है बच्चों का तो कैसे करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग पैटर्न पर क्वेश्चंस होते हैं आपके, आपकी स्ट्रेटजी मेकिंग, मीनिंग मेकिंग पर क्वेश्चंस पूछे आते हैं। फिर आपका है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, ये क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। कम्युनिटी मैथ्स होगा, इवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स होंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, जो मैथ्स की टीचिंग करने में जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर होगा। एरर एनालिसिस रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, और आपका लास्ट में होगा डायग्नोस एंड रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का आपकी पैडागॉजी सेक्शन में काफी यूज है। ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं, उनको हम कैसे लर्निंग के मैक्सिमम तक पहुंचा सकें, उसके लिए रेमेडियल टीचिंग्स की ऑप्शन होंगे। आपका चाहे लैंग्वेज हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपकी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है CBE, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को फॉलो करना होगा, जो बेसिक बात करता है FLN का, फाउंडेशनल ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बेसिक चीजों की इन्हें जानकारियां देनी है, तो रेमेडीज रेमेडियल क्लासेस के दौरान ही दी जाएंगी। अंडरस्टैंड? आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका बचता है, जो EVS सेक्शन है, जहां पे 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे आते हैं। आइए एक एक करके हम इन्हें भी देखकर खत्म करते हैं आज की क्लास को। अंडरस्टैंड? तो चलिए हम देख लेते हैं कि आगे की जो क्लास हो इसमें क्या होगा, EVS सेक्शन में क्या कुछ पोर्शंस है और जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 30 मार्क्स का आपका वेटेज रखता है EVS का सेक्शन। ओके, तो चलिए भाई, EVS की जो सेक्शन होगी वो थेमेटिक है, थीम बेस्ड है EVS, और इस तरीके से हम EVS की स्टडी करने वाले हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज में आप देख रहे हैं कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कॉन्टेंट बेस होगा। ओके, 15 मार्क्स आपका कंटेंट बेस होगा, जिसमें आपके थीम बेस आपके जो सिलेबस होंगे, पहला सिलेबस है फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप, जो बच्चों की प्राइमरी एजेंसी है, जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स आते हैं, वो पहला टॉपिक आपके EVS सेक्शन में दिया गया। सेकंड आपका है वर्क एंड प्ले विद एनिमल्स। फिर आपके प्लांट्स आ गया, प्लांट्स में क्या कुछ पोर्शंस आपके आएंगे, प्लांट्स में बेसिकली आपका आता है जैसे फूड हो गया, प्लांट्स का ही पोर्शन होगा। ओके, और फिर हम नेक्स्ट जो करेंगे वो आपका शेल्टर हो गया, आवास, फूड हो गया, और आपका है नेक्स्ट है शेल्टर, फूड हो गया, फिर शेल्टर हो गया, वाटर हो गया, ट्रेबल हो गया, थिंग्स बी मेक एंड डू। तो ये सभी 6 थीम पर बेस्ड EVS है, जहां से आपके 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 3rd, 4th और 5th।
थ्री क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी के विद इन लाइनों से क्वेश्चन यहां से होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडरस्टैंड। आइए हम बात कर लेते हैं जो अलग अलग प्रकार के, वन सेकेंड, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पैडागोजिकल इशूज होंगे ईवीएस से रिलेटेड, तो किस प्रकार से इसे हम रिजॉल्व करेंगे और क्या कुछ कॉन्टेंट आपके सिलेबस में है जहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो चलिए हम बात करते हैं पैडागोजिकल इशूज जो क्वेश्चन बनते हैं आपके ईवीएस सेक्शन में, जिसमें हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ईवीएस, ईवीएस का क्या स्कोप है, ईवीएस सिखाने में हम किन किन मेथड्स का यूज करेंगे, ये टॉपिक रहेगा आपका। एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, बेसिक बच्चों को एनवायरमेंट की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए विद द हेल्प ऑफ ईवीएस, सिलेबस को इसीलिए इंक्लूड करा गया है। अंडरस्टैंडिंग। फिर आपका है लर्निंग प्रोसेसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लर्निंग प्रोसेसेस हैं, जैसे है ह्यूरिस्टिक मेथड है आपका, है ना, जैसे आपका है डिस्कवरी मेथड है, जैसे आपका इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। स्कोप एंड रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, जैसा आपको पता होना चाहिए ईवीएस जो है कॉम्बिनेशन है साइंस का, सोशल साइंस का, एनवायरमेंट का, सबका कॉम्बिनेशन करके आपका ईवीएस फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज, एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी हम ईवीएस को सिखाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसी, इवोल्यूशन, ये टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट है, जहां पर पूछा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज अ लर्निंग, ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ से रिलेट होते हैं। फिर आपका है टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग एड्स, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों को करके आप टीचिंग एड्स बनाते हैं जिससे सीखने में हेल्प मिले। और नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम्स, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन प्रॉब्लम देकर के बच्चों को कंसेप्ट दिया जाता है जो काफी हेल्प करता है ईवीएस सेक्शन को सीखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। हमने बेसिक आपके सिलेबस की बात की है सीटेट के बारे में, और आगे क्लासेस आपको इस YouTube चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी जो कि सीटेट से रिलेटेड होगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।